तो वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ दिस इंजीनियरिंग बर्फी तो so, अभी जस्ट हम लोगों ने इस सेशन में देखा था थोड़ी देर पहले कि आप कैसे कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी को शॉर्टकट लगा के अप्लाई कर सकते हो तो आइए देखते कुछ और क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए आप उनको डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर पाते बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माय नेम इज़ विशाल सोनी राइट ऑन टीचिंग ऑन अन अकेडमी और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है अन अकेडमी पर कल से कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन आपको ले लेना चाहिए उसके अलावा आप सभी अन अकेडमी यूजर्स के लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस का भी अलग से प्लान कर दिया गया है तो हर वीक के हर एक दिन आपको अनकेडमी पर हमारी टीम का एक टीचर ज़रूर मिलेगा जिससे आप आके अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के डाउट्स पूछ सकते हो बाकी लाइव क्लासेस क्रैश कोर्सेस वीकली टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों के बैचेस और रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पर्सनल कोच स्टडी प्लानर पर्सनल कोच वो खुद होते हैं जो एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके होते हो तो आप डायरेक्टली इनसे टच में रह सकते हो और कभी भी अपना कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो बाकी स्टडी बूस्टर सेशनस आपके होते हैं जिसमें आप हमसे वन टू वन सेशन करते हो पर्सनलाइज आपके टेस्ट एनालिसिस होती है ये भी आप एक सिंगल कोड लगा के अवेल कर सकते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कल से रेडी हैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के लिए नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप रेडी हो या नहीं क्योंकि ये कोड आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस और हमारी पूरी टीम की पर्सनल गाइडेंस देता है तो बहुत सारे बच्चे सेम कोड यूज़ करके प्लस पे आ रहे हैं आप भी सेम कोड यूज़ करके प्लस पे एंट्री ले सकते हो ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रोल सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कल से आपका स्टार्ट हो रहा है फीचर्स मैंने आपको बता दिए 120 घंटे का कोर्स है जिसमें हर चौथी क्लास पूरी तरीके से डाउट के लिए डेडिकेटेड रहेगी उसके अलावा आप डेली कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो कोई भी प्री रिक्वेजिट नीडेड नहीं है जो भी होगा वो मैं क्लास में कवर करूँगा हर क्लास के बाद डेली प्रैक्टिस पेपर हर हफ्ते के एंड में एक क्विज़ आपको मिलता है फिर मेगा क्विज़ मिलता है उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन अगर आप डिमांड करते हो जैसे आपको लगता है कि सर आ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम कंफर्टेबल नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा दीजिए तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन मैं यहाँ पर लूँगा आपके लिए और आपको ऐसे शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे जिसकी आप थोड़ी सी झलक देख पा रहे हो इन सारे के सारे सेशन में गेन मार्जिन कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी अभी ऐसे बहुत सारे सेशनस हैं जहाँ पर ये सारी झलक आपको देखने को मिल जाएगी अपार्ट फ्रॉम दैट ये अन अकेडमी के रैंकर्स लास्ट ईयर जो हमने ड्रीम देखा था जो हमने सोचा था कि बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ के सेलेक्ट होंगे हमारे थ्रू बेनिफिट होंगे तो आप देख सकते हो ऑल दीज रैंक आर रियल इन बच्चों को हमने पढ़ाया प्लस की क्लासेस में बिठा के सारे कंसेप्ट डेवलप करने के बाद कोई किसी के टॉप टॉप हंड्रेड में बहुत सारे बच्चे आए हुए टॉप फोर्थ रैंक भी है ऑल इंडिया रैंक फोर्थ ऑल इंडिया रैंक एट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर हमारे गाइडेंस प्रिपरेशन करके अपनी रैंक को अचीव किया उसके अलावा जो अकेडमी प्लस पे डाउट सॉल्विंग बैचेस हैं उसमें टीम का हर एक टीचर कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो समझता है कि डाउट क्लियर होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ पढ़ाना सिर्फ कोर्स दे देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है इंपॉर्टेंट होता है डाउट आप कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं कितना पेशेंस आपके अंदर डाउट सॉल्व करने का तो ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में टीचर एक बार चला गया तो आपके डाउट कभी क्लियर नहीं होंगे बट यहाँ पे साल भर आपके साथ टीचर्स रहेंगे डाउट को सॉल्व करने के लिए ये है डाउट का पूरा का पूरा शेड्यूल तो जब आप प्लस पे आते हो तो इतना सिस्टमेटिक इतना ऑर्गेनाइज शेड्यूल आपको मिलता है आपको पता होता है कि कौन कौन से दिन मेरी क्लासेस चलेंगी और डाउट कौन कौन से दिन जैसे आज ट्यूजडे तो आज ही मैंने दो बजे से तीन बजे तक बहुत सारे बच्चों के डाउट्स लिए और डाउट लेने के बाद उन लोगों को भी कॉन्फिडेंट फील हुआ क्योंकि उनके डाउट्स क्लियर हुए और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ जब आप डाउट क्लियर करते हो तो एज अ टीचर यू ऑल्सो फील गुड ठीक है चलो आ जाते हैं हम लोग कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी वाले डिस्कशन पे तो देखो अभी मैंने आपको जॉर्डन ब्लॉक और गिलबर्ट टेस्ट का एक हल्का फुल्का आइडिया दे रखा था अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन करके तो हमें पता चल जाएगा कि हमको कितना समझ आ गया और किस हिसाब से हमें बताना चाहिए तो इस क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है कि क्या ये पर्टिकुलर सिस्टम कंट्रोलेबल है या नहीं ऑब्जर्वेबल है या नहीं तो आइए देखते हैं और डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं चलो देखो ये हमको सिस्टम दे रखा है डॉट इज इक्वल टू दिस तो सबसे पहले आप सभी लोग इसमें अंदाजा लगाओ कितने लोग इसमें जॉर्डन ब्लॉक को बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा जो जॉर्डन ब्लॉक को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि आपको दिख रहा होगा यार ये माइनस दो माइनस दो रिपीट तो हो रहा है और ऊपर से माइनस दो के ऊपर वन लिखा हुआ है तो ये दोनों मिल आपस में क्या बना देंगे एक जॉर्डन ब्लॉक बना देंगे तो एक जॉर्डन ब्लॉक तो चलो यहाँ पर रेडी हो गया नीचे आ जाओ एक सिंगल एलिमेंट भी अगर आपका प्रेजेंट होता है फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऐसी वैल्यू है जो रिपीट नहीं हो रही है या फिर जो एक सिंगल वैल्यू uh, को अचीव कर रही है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस दो माइनस दो दो बार है बट माइनस वन सिर्फ एक बार आ रखा है तो ये भी आपके जॉर्डन ब्लॉक का पार्ट हो जाएगा ना तो देखो छोटा सा जॉर्डन ब्लॉक बन गया जिसमें एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है तो जब आपकी वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती है उस केस में जो आपका जो आपका सिंगल ब्लॉक होता है वही आपका जॉर्डन ब्लॉक बन जाता है तो कायदे से अगर आपने कभी मैट्रिक्स वगैरह पढ़ रखी है तो आप देख पा रहे कि ये बेसिकली इसकी आइगन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब आइगन वैल्यूज़ रिपीट होती हैं तो जॉर्डन ब्लॉक बड़ा बनता है जब आइगन वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती तो जॉर्डन ब्लॉक छोटा सा बन जाता है चलो खैर जॉर्डन ब्लॉक बन गया अब हमारा टोटल पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी पे कंट्रोलेबिलिटी में हम फर्स्ट वाले जॉर्डन ब्लॉक के पास गए और इसकी लास्ट रोपे आ गए और इसके सामने चेक किया एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारे एलिमेंट्स जीरो ना मिले तो यहाँ एक ही एलिमेंट था और नॉन ज़ीरो था यहाँ से हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा कि शायद ये कंट्रोलेबल हो सकता था बट अभी दूसरे जॉर्डन ब्लॉक को टेस्ट करना बाकी था जॉर्डन ब्लॉक को आपने टेस्ट किया जैसे ही आपने सेकंड जॉर्डन ब्लॉक को टेस्ट किया आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे एलिमेंट जीरो नहीं आने चाहिए एक ही एलिमेंट था और वो भी नॉन जीरो था यानी ये कैसा हो गया कंट्रोलेबल है ना काफी इंटरेस्टिंग तो देखो आपने कोई भी इसमें कैलमेट uh, टेस्ट नहीं लगाया कोई भी कंट्रोलेबिलिटी चेक मैट्रिक्स ऑब्जर्वेबिलिटी चेक मैट्रिक्स कुछ नहीं लगाया आपने सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंसिस को क्रैक कर दिया चलो अब बात आती है ऑब्जर्वेबिलिटी की तो ऑब्जर्वेबिलिटी में फर्स्ट जॉर्डन ब्लॉक बट इसका फर्स्ट कॉलम तो यहाँ से आगे नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारे एलिमेंट जीरो ना हो और सारे जीरो नहीं थे तो थोड़ी उम्मीद बंधी यहाँ पे कि शायद यार उम्मीद तो है कि ये ऑब्जर्वेबल हो सकता है फिर सेकेंड जॉर्डन ब्लॉक पे आए यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट था नीचे आए उम्मीद कर रहे थे कि सारे एलिमेंट जीरो ना हो और सारे जीरो नहीं भी थे यानी ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा सिस्टम था ये कंट्रोलेबल के साथ साथ आपका कैसा भी आ जा रहा था ऑब्जर्वेबल ठीक है तो इट इज़ कंट्रोलेबल एज वेल एज ऑब्जर्वेबल ठीक है डन हो गया ना सभी से ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग तरीके से चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो किसी डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया था अब इस क्वेश्चन को देख के क्रैक करते हैं इस क्वेश्चन में भी हमारी उम्मीद तो यही है कि हम चाहते हैं किसी तरीके से जॉर्डन ब्लॉक को ढूंढ लें क्योंकि जब भी कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं उम्मीद आप यही रख के चलो कि आपको जॉर्डन ब्लॉक वहाँ पर दिख ही जाना चाहिए फटाफट देखिए जॉर्डन ब्लॉक यहाँ पे तो यहाँ पर देखो ये तीनों आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही थी माइनस तीन माइनस तीन माइनस तीन तीनों रिपीट हो रही थी इसके ऊपर भी वन लिखा हुआ था इसके ऊपर भी वन लिखा हुआ था यानी यहाँ पे ये पूरा ही जॉर्डन ब्लॉक हो गया है ना तो यहाँ पे एक सिंगल जॉर्डन ब्लॉक है बट वो थ्री क्रॉस थ्री का जॉर्डन ब्लॉक है आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट क्या सभी को ये लॉजिक समझ में आ रहा है ठीक है तो सबको समझ आना चाहिए है ना क्योंकि यहाँ पे तीनों आइगन वैल्यूज़ रिपीट हो रही तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि जितनी आइगन वैल्यूज़ रिपीट होती हैं उतना बड़ा आपका जॉर्डन ब्लॉक बनता है अगर दो आइगन वैल्यूज रिपीट होंगी तो टू क्रॉस टू का एक का आपका जॉर्डन ब्लॉक बनेगा तीन रिपीट होंगी तो तीन क्रॉस तीन का चार होंगे तो चार का एक होंगी तो एक का ही बन जाएगा तो तीनों रिपीट हो रही थी और अच्छी बात ये थी कि हर एक आइगन वैल्यू के ऊपर आपको वन दिख रहा था बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो दिख रहे थे तो आपने इसको जॉर्डन ब्लॉक की कैटेगरी में डाल दिया अब आप क्या करोगे अब आपने इस जॉर्डन ब्लॉक के सबसे टॉप रो पर चेक किया और यहाँ से आप आगे बढ़े आप एक्सॉरी बॉटम रो पर आप यहाँ से आगे बढ़े तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए थे और सारे जीरो नहीं थे तो ये आपका हो गया कंट्रोलेबल हो गया ना कंट्रोलेबल चलो ऑब्जर्वेबल चेक करो फटाफट ऑब्जर्वेबल चेक करने के लिए आप फर्स्ट कॉलम पे आ जाओगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार सारे एलिमेंट्स जीरो ना हो जाए तो यहां पे सारे एलिमेंट जीरो हो गए मतलब जो आपने उम्मीद लगाई थी वो गलत हुई ये कंट्रोलेबल तो था बट एट द सेम टाइम ये आपका हो जाएगा अनऑब्जर्वेबल ठीक है चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जो गेट में भी पूछा गया था उसका भी आप आंसर बता दो तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि एटलीस्ट ये फैक्ट आप समझ गए सिर्फ और सिर्फ दस मिनट के अंदर अंदर आपने कंसेप्ट भी समझ लिया शॉर्टकट भी सीख लिया उसका एप्लीकेशन भी देख लिया और सवाल भी लगा डाले इससे अच्छी बात क्या हो सकती है यही एम है सारे के सारे इंजीनियरिंग बर्फी सेशन का जितने भी टीचर्स इंजीनियरिंग बर्फी सेशन ले रहे हैं पर्पज़ यही कि विद इन द वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप सारा कंसेप्ट सीख पाओ और आपको एक झलक मिल जाए कि अगर यही चीज़ें आप प्लस पे पढ़ते यही चीज़ें आप कॉम्प्रहेंसिव कोर्स में पढ़ते तो शायद आपकी जो नॉलेज होती वो कहाँ से कहाँ की पहुँच जाती क्योंकि आज जरूरत है कंटेप्रेरी नॉलेज की आज जरूरत है ऐसे कंटेंट की जिस पर रिसर्च हो रखा है जो दस साल पहले आप पढ़ते थे शायद अब उतना रेलिवेंट नहीं है अब एग्जाम में उसकी उतनी ज़्यादा नीड भी नहीं। चलो खैर इस क्वेश्चन पे आते हैं। जॉर्डन ब्लॉक ढूंढते फटाफट वन माइनस वन रिपीट हो रहा था एक two two का यहां पे दिख गया दिख गया बात यहाँ पे हो रही कंट्रोलेबिलिटी की तो अगर कंट्रोलेबिलिटी हमसे यहाँ पे टेस्ट करवाना चाहता है तो हम क्या करेंगे इस जॉर्डन ब्लॉक के लास्ट रो पे आएंगे एक्सपेक्ट करेंगे सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए और सारे एलिमेंट जीरो नहीं भी थे बट सेकेंड वाले ब्लॉक की वजह से अगर आप आगे जाओगे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए थे बट एक एलिमेंट जीरो आ गया मतलब ये हो गया आपका अनकंट्रोलेबल ठीक है तो ये हो गया आपका अनकंट्रोलेबल सेकेंड वाला देखते हैं इस जॉर्डन ब्लॉक का जो आपका फर्स्ट कॉलम है उससे आप नीचे आओगे सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए थे थे भी नहीं सेकेंड वाले से नीचे आए सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए थे थे भी नहीं यानी कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी हो जाएगी ऑब्जर्वेबल ठीक है तो ये गेट में क्वेश्चन आया था जिसके लिए शायद आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ठीक है चलो तो फिर आप मिलते हैं किसी ऐसे ही और एक अमेजिंग और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग बर्फी के सेशंस में जहाँ पे एक बहुत ही थॉट प्रोकिंग कंसेप्ट को बहुत सिंपल बना के शॉर्टकट के थ्रू आपको समझाया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि आजकल आपको ऐसे कंसेप्ट की ज़रूरत है ऐसे कंटेंट की जरूरत है जो आजकल एग्ज़ाम में लगता हो जो दस साल पहले लगता था शायद वो अभी उतना ज़्यादा रेलिवेंट हमारे लिए है नहीं फाइन उसके अलावा आप सभी लोग कॉम्बैट के लिए बिल्कुल रेडी रहो अन अकेडमी कॉम्बैट आपका चार ग्यारह अठारह पच्चीस अप्रैल को होगा तो चार कॉम्बैट आपको हफ्ते में देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो देखें यहाँ पे अपने नॉलेज टेस्ट करो अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करो कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे ये टेलीग्राम चैनल पर यह टेलीग्राम ग्रुप पर और अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हो सभी लोग अकेडमी में मुझे जरूर फॉलो करो ताकि मैं जो भी कंटेंट जो भी क्लासेस लेके आता हूँ वो आप तक डायरेक्टली पहुँच पाए अपार फ्रॉम दट सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कल से कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हो रहा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो दोनों सब्जेक्ट आप पैरली लेके चल सकते हो ट्वेल्व मंथ एटीन मंथ्स ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए अगर करते हो तो पर पर, पर मंथ कॉस्ट आपकी मिनिमम आती है अपार्टार्ट फ्रॉम दट पर डे कॉस्ट ही मिनिमम आती है। आप इसको बाई पार्ट ई में कन्वर्ट करा के पेमेंट कर सकते हो कोड आपको कौन सा लगाओगे ऑब्वियसली यही कोड जो बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं तो यही सेम कोड आप लगा के अन प्लस पे आ सकते हो और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट गेन कर सकते हो मेरी पर्सनल गाइडेंस में पढ़ सकते हो उससे बात करो और अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में और अच्छी तरीके से नॉलेज लेके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके पे ले जाओ और एक अच्छी रैंक ऑप्टेन करो और जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे जितनी अर्ली स्टार्ट लोगे सिलेबस उतनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी गलतियां करके सीखोगे और उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी क्रिएट करोगे सिमिलरली आइकॉनिक अगर आप बहुत लेजी हो आपको लगता है कि यार मैं खुद से पढ़ नहीं पाता हूँ मुझे कॉन्टेंट पुष्ट चाहिए मुझे किसी का गाइडेंस चाहिए तो वो गाइडेंस आपको देता है मेटोर जो अकेडमी पर प्रेजेंट होता है तो आप उसकी मेटोरशिप में कंप्लीट पढ़ाई करो हमसे वन टू वन सेशन करो और आइकॉनिक के थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ ठीक है चलो थैंक यू सो मच फिर ऐसे ही किसी और सेशन में मिलते हैं वहाँ पे चर्चा करते हैं किसी और टॉपिक पे किसी और ऐसे अनटेस्ट कंसेप्ट जो शायद हमको पता हो तो हमारी लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाए थैंक यू सो मच